बाबा कहते हैं, बच्चे अब आपकी अचल अडोल और एकरस स्थिति होनी चाहिए। ऐसी स्थिति वाली आत्मा ही सेकंड में तन से न्यारी हो सकती है। यदि हलचल में होंगे तो डिटैच होना मुश्किल हो जाएगा। अचल अडोल एकरस स्थिति बनाने के लिए मालिक सो बालक बन जाओ, अर्थात सभी कर्म इंद्रियों के मालिक बन, उन्हें अपनी आज्ञा अनुसार चलाओ। फिर परमात्मा बाप के बच्चे अर्थात बालक बन सर्व समर्पण हो जाओ। जब सब कुछ है ही ईश्वर का, फिर तो आप बेफिकर अर्थात अचल स्थिति में स्थित हो गए ना। बच्चे अचल स्थिति के लिए प्रेजेंट में रहना अति आवश्यक है। देखो पास्ट तो वैसे भी व्यर्थ है जो आत्मा को भारी कर देता है, और आपका फ्यूचर परमात्मा बाप के हाथ में सुरक्षित है। बस बाप पर निश्चय रख, निश्चिंत रहो, और प्रेजेंट में तो बाप है ही आपके साथ, इसलिए सदा बाप की उंगली पकड़ चलते चलो, फिर तो मंजिल पर पहुंचेगी पहुंचे। बस बच्चे अटेंशन दे, पुरुषार्थ करते रहो, ज्यादा सोचो मत। ज्यादा सोचने पर थक भी जाते हो और अलबेले भी हो जाते हो, फिर बताओ मंजिल पर कैसे पहुंचोगे। इसलिए बाप पर 100% निश्चय रख, मंजिल को बिल्कुल समीप मान, बहुत उमंग उत्साह के साथ आगे से आगे बढ़ते जाओ। हर कमी कमजोरी को फुल स्टॉप लगा, बिंदु बन, बिंदु बाप के संग जाकर बैठ जाओ। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.